सभी को जय श्री राम। आज इस वीडियो के माध्यम से आप हम सभी ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। हे राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ शिशु को मारने वाला, परनिंदक, पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, मापतोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है, अथवा कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सभी नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये पाप मुक्त हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय शास्त्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भाग जाता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण भयंकर नरकों में गिरता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरकों में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सदगति को प्राप्त होते हैं। इसको करने से कैसे कैसे फल प्राप्त होते हैं? तो भगवान कहते हैं, माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति की सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, अथवा बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सभी पातकों से मुक्त होकर भगवान श्री विष्णु के परम लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय।